शरद पूर्णिमा के उपलक्ष्य में श्री सालासर बालाजी सेवा परिवार की तरफ से श्री देवी तालाब मंदिर परिसर स्थित श्री सालासर बालाजी धाम में बालाजी की चौकी का आयोजन किया गया, जिसमें प्रसिद्ध भजन गायक दीपक कनौजियान पार्टी ने बालाजी की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस अवसर पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक एवं श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष शीतल विज, पंजाब कंटेनर बोर्ड एंड वेयर हाउस की चेयरमैन राजविंदर कौर थ्याड़ा, श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, पूर्व सीपीएस केडी भंडारी डॉक्टर अमित ने विशेष रूप से उपस्थित होकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर अश्वनी अग्रवाल बिल्ला, गोपाल कृष्ण मदान, गौरव शर्मा, अमन व अन्य भक्तजन भी मौजूद रहे। इस दौरान बालाजी की चौकी में आने वाले भक्तों के लिए प्रसाद रूपी लंगर का आयोजन भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। हरे राम जपते थे सारे जग में जाना हरे राम जब देते हनुमान इस मंत्र की महिमा को सारे जग में जाना इस नाम में कितनी ताली की सेवा करवाते हैं, सभी ने मीठी मीठी ताली लगानी है, क्योंकि ताली लगाओगे आपकी भी हाजिरी प्रभु राम जी के चरणों में लगेगी। सभी हाथ ऊपर करें और ताली लगाएंगे कहेंगे कि आप जब की बटनी पुकते इस मंत्र की बोल उनके पास हर तरह की शक्ति थी, लेकिन नहीं, जब केवट में प्रभु राम का नाम का जाप किया, जब प्रभु राम ने उसकी जो नाव थी उसके ऊपर चढ़ के बंदा मार दी, जब केवट में मुख से इस मंत्र के बोल पड़े जब केवट हरि राम राम हरि राम राम हरि राम हरि राम जपते हनुमान इस मंत्र की महिमा को सारे जग में सभी दोनों हाथ में दीजिए, दोनों हाथ में लगाइए, जो बाबा जी के दरबार में बैठे हैं दोनों हाथ में बैठे तालियां बजा सभी तालियों के साथ दरबार में हाजिरी भरते हुए दीपक कनौजिया स्क्रीन को कपूर चला वाली इसी
उनकी कही का तो मिलनी नहीं जान लिया बिजली को प्रभु राम ने कहा था कि मैं तेरे घर आऊंगा लेकिन ये नहीं बताया था कब आऊंगा। तो आजकल हमें कहीं जाना हो तो बता देते हैं कि कल हम तुम्हारे घर आएंगे तो भी बहुत कर करके कब आ रहे हो मैंने कहीं जाना है 5 मिनट 10 मिनट लेकिन वो हर रोज रास्ता साफ करते हैं उसको पता नहीं था कब राम ने आएंगे मेरे घर लेकिन आएंगे जरूर। तो आजकल का जमाना और उस टाइम का देखो हर रोज सफाई करनी उसी रास्ते से रोज रोज फूल नए लेकर आने फूल की वर्षा करनी वहां सारा सफाई करके उस रास्ते को मेरे प्रभु राम में आना है पर पता नहीं था कब आना आना जरूर है। पर आजकल पता भी हो कि कल कितने बजे आना दो भी फोन करके पूछते हैं जी आ रहे हो जल्दी आ जाओ जाना है वो बिल्ली को पता था आएंगे और वो जान गई थी प्रभु राम जी की महिमा को। तो बिल्ली क्या कह रही है इस मंत्र की महिमा को मिलनी नहीं जान लिया इस मंत्र की महिमा को मिलनी नहीं जान लिया खुद घर आए इतना सम्मान दिया। अमृतसर में श्री श्याम मित्र मंडल की ओर से श्री श्याम प्रभु खाटू वालों का 22वां भजन संध्या महोत्सव सिटी सेंटर के गुरु नानक ऑडिटोरियम में मनाया गया। इस अवसर पर श्री श्याम प्रभु खाटू वालों के 22वें भजन संध्या महोत्सव के उपलक्ष्य में सवा मणि प्रसाद का भोग वृंदावन गार्डन कॉलोनी के श्री श्याम धाम मंदिर में विराजित श्री श्याम प्रभु खाटू वालों को लगाया गया। इस संबंध में मंडल के संरक्षक रमेश मित्तल ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार 22वीं भजन संध्या सिटी सेंटर के गुरु नानक ऑडिटोरियम में बड़ी ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस मौके पर प्रसिद्ध भजन गायिका मिताली अरोड़ा ने अपने मधुर कंठ से श्याम बाबा जी का गुणगान कर भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। इस महोत्सव का मुख्य आकर्षण भव्य दरबार दिल्ली से बाबा का ताजा फूलों का अद्भुत श्रृंगार कोलकाता से अखंड ज्योति भजन गंगा थी तो वहीं भजन संध्या के समय प्रसाद भक्तों में वितरित किया गया। इस दौरान श्री श्याम बाबा का आशीर्वाद लकी कूपन द्वारा ड्रॉ भी निकाला गया। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मैं गोविंद बंसल एग्जीक्यूटिव मेंबर श्री श्याम मित्र मंडल अमृतसर। साड़ी यह संस्था पिछले 22 साल तो अमृतसर के श्याम बाबा प्रभु श्याम खाटू वाले जी का जरा कीर्तन करवाते आ रही है और उस अज 22वां जरा कीर्तन जरा ना कराया जा रहा है। साड़ी संस्था पहले धर्म सिंह मार्केट करवाती रही है लेकिन गलियारा स्कीम के आने के बाद वो फंक्शन इतने शिफ्ट हो गया। पिछले 6-7 साल तो गुरु नानक ऑडिटोरियम फंक्शन करवाया जा रहा है और हर जागरण के बाहर तो भजन गायक वक्रे वक्रे भजन गायक आते हैं और हर साल 3-4 भजन गायक आके इतने अपनी बाबा दे के हाजिर लगाते हैं। साढ़े जागरण के बाद इतने अल्प विहार प्रसाद की व्यवस्था नाल रही है जिदे स्नैक्स हो गए खाना हो गया कोल्ड ड्रिंक कॉफी वगैरह आइसक्रीम वगैरह सब का प्रबंध रहता है और इस जागरण के 4 to 5,000 आदमी जरा बाबा जी देख के मत्था टेकन वास्ते आता है और अपना जीवन सफल बनाता है। इसके बाद साढ़े हर प्रसाद के हर जरा अपना भगत जन इतने बाबा जी के दर्शन कर आता है उन्होंने प्रसाद के नाल एक कूपन दिता जाता है
ਉਹ ਕੁੱਪਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਾਮ ਨਿਕਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੁੱਪਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਪਨ ਨਿਕਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 7-8 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗਿਫਟ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਿਫਟ ਨਿਕਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਭਗਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਲੁਤਫ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਨਿਕਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਿਕਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਰਘੁਨਾਥ ਵੜਾ ਮੰਦਿਰ ਚੌਂਕ ਫੁਵਾਰਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਗਾਰਡਨ ਖਾਟੂ ਸ਼ਾਮ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਇਹ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਗਤੀਜਨ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। अमृतसर धार्मिक मंच के कन्वीनर राजेंद्र सिंह मरवाहा की अगुवाई में भाई वीर सिंह हॉल से श्री गुरु रामदास जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में विशाल नगर कीर्तन निकाला गया, जो कि अलग अलग बाजारों से होते हुए श्री हरिमंदिर साहिब में आकर संपन्न हुआ। इस अवसर पर सांसद गुरजीत सिंह औजला, हरपाल सिंह अहलूवालिया, पुनीत गुप्ता, जगजीत सिंह खालसा सहित बड़ी संख्या में संगतों ने इस नगर कीर्तन में भाग लिया। इस अवसर पर SGPC की ओर से सूचना केंद्र के बाहर लंगर भी लगाया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए राजेंद्र सिंह मरवाहा और सांसद गुरजीत सिंह औजला ने बताया कि गुरु नगरी के संस्थापक श्री गुरु रामदास जी के प्रकाश पर्व में विशाल नगर कीर्तन निकाला गया है और सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब को फूलों से सजाया गया है। इस अलौकिक नजारे को देखकर उनके मन को बहुत खुशी मिली है और बड़ी संख्या में संगतें सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में दर्शनों हेतु पहुंच रही हैं। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। सभ्य धाम नहीं तो दजया बसदी सगना पार अनूप रामदासपुर धन धन श्री गुरु रामदास जी पातशाह जी जिन्हों ने सारा शहर वसाया उन्हों का जो अवतार गुरपुरब सारे संसार मनाया जा रहा है। अज एक वड्डी विशाल प्रभात फेरी जो कि अमृतसर धार्मिक मंच वालों और वर्ल्ड सिख चैंबर ऑफ कॉमर्स वालों हर साल जी पिछले 25 साल तो लगातार कटी जा रही है और अमृतसर शहर दिन सारिया धार्मिक सोसायटियां सुखनी साहब सेवा सोसायटियां और सारे व्यापारी रल के जरा भाई वीर सिंह हाल तो चल के हाल बाजार उच्चा पुल तो आते हुए सचखंड श्री हरिमंदर साहब अच पहुंचिया ने जिते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों निघा जिला प्रभात फेरी का स्वागत किया जा रहा और सारे पंजा पैर की अगुवाई के सारे बंदे शहर के जोड़े ने शामिल होए ने और मैं अपने वालों अपने धार्मिक मंच वालों और वर्ल्ड सिख चैंबर ऑफ कॉमर्स वालों सारे अज के मौके से लख लख बधाइया वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी। सब तो सब संगत को गुरु रामदास जी के गुरपुरब दी बहुत बहुत बधाइया। अज का शुभ दिन असी सारी दुनिया भर के मना रहे हैं तो खासकर रामसर गुरु रामदास की रसोई धरती अमृतसर साहिब जिते कि देशों विदेशों तो हज़ारा लखा की तादाद संगत आ रही है। अलग अलग कोनों के उत्ते प्रभात फेरियां अलग अलग कोनों के उत्ते नगर कीर्तन निकाले जा रहे हैं। अज भी जी सेवा सोसायटी जी अमृतसर दी उन्होंने प्रभात फेरी मरवाह साहब इन्हों सारिया सोसायटिया के प्रधान साहबान ने भाई वीर सिंह हाल तो लैके आए ने गुरु रामदास जी के घर। सो अज के इस पवित्र दिहाड़े से सब समूह संगत जीडिया ने हर कोने कोने के गुरु रामदास जी के गुण गायन कर रहे हैं गुरु ग्रंथ साहब जी के नतमस्तक हो रहे हैं। सो असी भी आशीर्वाद इतने लैन आए हैं। असी भी कल ती सेवा रात की निभाई सी और सवेर तक गुरु रामदास जी ने बधाइया दे के इतों गुरु ग्रंथ साहब जी के हाजिरी भर के सन्मुख होकर गए हैं। सो मैं तो यही कहूँगा कि इस दर्शाए मार्ग से सानू चलन की लोड़ है दर्शाए मार्ग से पहरा देने की लोड़ है। परमात्मा सबना दे परिवारों के खुशियां खेड़े बरकरार रखे सबना ते मेहर भरिया हाथ रखे। गुरु रामदास जी सब से संसार भर के वसदे जीव जंतुआ ते मेहर भरिया हाथ रखे। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा इंडस्ट्रियल एरिया जालंधर में चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी महाराज का प्रकाश पर्व बड़ी ही श्रद्धा भाव और उत्साह के साथ मनाया गया। इस दौरान सर्वप्रथम सुबह श्री सहज पाठ के भोग डाले गए, जिसके पश्चात पंथ प्रसिद्ध हजूरी रागी भाई परमिंदर सिंह, भाई रमनजीत सिंह ने कीर्तन कर उपस्थित संगत को निहाल किया। इस अवसर पर सचिव हरविंदर सिंह नागी ने गुरु जी की जीवनी व उनकी पवित्र वाणी पर प्रकाश डाला। इस मौके पर विधायक बाबा हैनरी, श्रोमणी कमेटी के सदस्य कुलवंत सिंह मन्नन ने विशेष रूप से उपस्थित होकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर प्रधान हरभजन सिंह सैनी, सुखविंदर सिंह भाईजादा,
जसबीर सिंह मनचंदा, भूपिंदर सिंह बेदी, नरेंद्र सिंह सैनी, मोहन सिंह जीता, कुलविंदर सिंह, सीए सोहन सिंह मठारू, गुरदेव सिंह कलसी, ज्ञान सिंह, सेवा सिंह सैनी, हरदेव सिंह विरदी सहित असंख्य संगत मौजूद रही। अंत में गुरु का टुट लंगर भी वर्ताया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪੂਰਵ ਨਾਲੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਬਖਸ਼ ਅਸੀਸਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈਣੇ, ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਲਾਹੌਰ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਵਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਵੱਡੀ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਛੋਟੀ ਵਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਚੰਗੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੋਗ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਨੀ ਨੇ ਬੱਸ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਬੱਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵੈਸ਼ ਹੋਣੀ, ਫਿਰ ਘੁੰਮਣੀਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛੱਡਣਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਧਰਤਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲਣੀ, ਉਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਕੀਤੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਅਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛੱਡਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਚੋਲਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਜ਼ ਪਹਿਨਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਪਹਿਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਲਸ ਆਦਿ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਸਵਈਆ, ਪ੍ਰਥਮੇ ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਜਗਤ ਭਇਓ ਆਨੰਦ, ਤਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਜਨ ਕੀਓ ਅਵਤਾਰ, ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਦਿਓ ਨਿਦਾਨ ਅਕਥ ਕਥਾ ਗਿਆਨ, ਪੰਚ ਭੂਤ ਵਸ ਕੀਨੇ ਜਮਤ ਨਾ ਰਾਸ, ਸ੍ਰੀ ਅਮਰ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਲ ਯੁਗ ਰਾਖੀ ਪਾਤ, ਅਗਨ ਦੇਖਤ ਗਤ ਚਰਨ ਕਮਲ ਦਾਸ, ਸਭ ਵਿਦ ਮਾਨਿਓ ਮਨ ਤਬ ਹੀ ਪਏ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਰਾਜ ਜੋਗ ਤਖਤ ਦੀਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ। ਸੰਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਐਸੇ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਅਵਤਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸੁਆਏ ਹੋਏ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਗ ਸਾਫ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਾਣੇ ਨੇ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਭੇਟ ਕੀਤੀ, ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਮਾਲਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬੜਾ ਰਮਣੀਕ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਬੋਲਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਵੇਰਾ ਇੱਦਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਗਏ।
ਉਹ ਰੁਕ ਕੇ ਉਸ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਬੂਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜੋ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਦੀ ਆਪਕ ਜੋ ਦਾਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੁਭਾਗੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰੂਰ ਜਲੰਧਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਸਾਨੂਆਂ ਦੀ ਗਿਫਟ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸੇਵਾ ਸਦਕਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਅੱਜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਐਚ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਨਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ 550 ਸਾਲਾ ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹਰਸ਼ ਅਤੇ ਉਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਪਏ ਤਾਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠਹਿਰਾਵ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਮਾਜ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੰਨਣ ਸਾਹਿਬ ਸਮੁੱਚੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 1 ਜਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਸੋ ਦੈਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਸੋ ਦੈਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਦੂਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋੜ ਤੋਂ ਸੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਮਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਈ ਇੰਨੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਸਾਂਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर परिसर स्थित ट्रस्ट महाकाली मंदिर में भी साप्ताहिक भजन संध्या करवाई गई। इस भजन संध्या में गायक विजय कौड़ा एंड पार्टी ने मां की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध किया।
इस अवसर पर नरेंद्र सहजपाल, योगेश्वर शर्मा, अशोक सोपती, चंद्र मोहन ढींगरा, दिनेश कुमार, विजय कोड़ा, अशोक शीतल, राजकुमार सहगल, संजीव साहनी, रमन ढल्ला, किरण कुमार, प्रवीण लक्की, गोवर्धन गोंधी, राजेंद्र कपूर, राजेश शर्मा, यश प्रभाकर, ब्रज प्रभाकर, सोहन लाल सारथी, राजेंद्र कपूर सहित मां भक्त मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय दर्शनगर की ओर से श्री देवी तालाब मंदिर परिसर स्थित आत्मा से परमात्मा का मिलन कैसे होता है संबंधी प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें बताया गया कि राज योग ध्यान द्वारा सर्व समस्याओं का समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है। इस दौरान अलग अलग प्रयोगों और योगी क्रियाओं संबंधी भी जानकारी दी गई। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। इस आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का उद्देश्य है जनमानस में आध्यात्मिक जागृति लाना। जैसे कि सारी दुनिया भगवान को याद करती है, अलग अलग स्थानों पर तीर्थ यात्रा करती है, पर इस संस्था ये बताती है उस भगवान का यथार्थ परिचय और यथार्थ सच्चा ज्ञान। और हमारी ये संस्था 1936 से ये फ्री ऑफ कॉस्ट काम करती है। तो दुनिया में अनेक प्रकार के योग प्रचलित हैं, पर सभी योगों में योगों का राजा भारत का प्राचीन सहज राजयोग हमारी ये संस्था सारी दुनिया को कराती है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप सभी से हार्दिक निमंत्रण है कि आप सभी इस धरा पर आए हुए भगवान को साकार रूप में मिलने के लिए हमारी संस्था से जुड़े। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ओम शांति, धन्यवाद। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस भजन संध्या में कौशल लखा एंड पार्टी ने गणेश वंदना के साथ भजन संध्या की शुरुआत की। उन्होंने माता की भेंटों का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश किया। इस मौके पर श्री देवी तालाब मंदिर के कैशियर पविंदर बहल, फाउंडर मेंबर सुदर्शन ज्योति, साधुराम कालिया, सेवादार मास्टर हरिचंद, शिव सहगल, कपिल सहगल ने गायक कलाकारों को मंदिर का समृद्धि चिन्ह देकर सम्मानित किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। Yes, I want
का मौसम सुहाना हुआ सुहाना हुआ हर एक भक्त शिव का दीवाना हुआ दीवाना हुआ याद तुम कृष्णा हरे यार मेरे याद तुम कृष्णा हरे यार बीपी भानी जी सेवा सोसाइटी और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग से श्री गुरु रामदास जी महाराज का प्रकाश पर्व गुरुद्वारा द्वाबा श्री गुरु सिंह सभा अड्डा होशियारपुर में बड़ी ही श्रद्धा एवं धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान सर्वप्रथम श्री अखंड पाठ साहिब जी के भोग डाले गए, जिसके पश्चात पंथ प्रसिद्ध रागी व हजूरी जत्थों ने कीर्तन कर उपस्थित संगत को गुरु चरणों से जोड़ा। इस दौरान बीबी भानी जी गुरुमत संगीत अकेडमी के बच्चों ने भी कीर्तन कर उपस्थित संगत को निहाल किया। इस अवसर पर बीबी भानी जी सेवा सोसाइटी की प्रधान बीबी हरजिंदर कौर, बीबी अमरजीत कौर, बीबी जसविंदर कौर, बीबी हरजीत कौर, बीबी राजदीप कौर, बीबी नरेंद्र कौर, ज्ञान सिंह, स्त्री सत्संग सभा की प्रधान बीबी सुरेंद्र कौर, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चेयरमैन परमजीत सिंह हीरा भाटिया, प्रधान अमृतपाल सिंह भाटिया, जनरल सचिव मक्खन सिंह, बूटा सिंह भाटिया, सरदारा सिंह मक्कड़, दीदार सिंह विरदी, मनमहिंदर सिंह संदल सहित असंख्य संगत भी मौजूद रही। इस दौरान बीबी भानी सेवा सोसाइटी की ओर से सभी सोसाइटियों को सम्मानित किया गया। अंत में गुरु का अतुट लंगर भी वितरित किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। श्री गुरु रामदास जी का आज प्रकाश दिन, मेरा है साईं। जिन्हें भी असि जो कुछ भी मन सोचते हैं मंगने हैं धन धन गुरु रामदास जी का नाम लै लो, सच्चे मन न लैके देख लो, इतों निकल तो पहला पूरी हो जाए। आम तौर पर असी लोग बड़े ध्यान न मेरी गल नहीं सुनना, अखबारों के सोशल मीडिया के उत्ते आम तौर पर असी सुनते हैं सिखां दे लई आने वाला समा, सिखी दे लई आने वाला समा दिनों दिन भाव कारण बड़ा सिंपल जी। अज के रुझीवे इन्ने बढ़ गए हैं कि साढ़े जोड़े बच्चे ने वो गुरु घरों तो दूर हो गए। हर बंदा सवेरे जब उठता उन्होंने दौड़ होंगी अपने कारोबार का, बच्चा जो लेट उठता
जहाँ बच्चा गुरु घर जाता है जहाँ बच्चा चंगा काम करता है तुम कभी वो सारे देख लीजिए पिछले मावं का सब ना उड़ता रू आप जो समा लंघ रहा है जिस समय के लंघ रहे हैं इस समय की जरूरत है कि असी प्रबंधकों भी तुम कह सकते हो भी अपना टाइम चेंज करो उस टाइम को आप बदल सकते हैं क्योंकि आप एक साझा परिवार हाँ लेकिन सानू जरूरत है कि अज के समय के मुताबिक अपने आप को ढालना और उस तरीके को अपनाना जिदे नाल साडा परिवार गुरु घर के आ सके गुरु घर के साडे बच्चे हाजरी पा सकते कल असी ना आइए धन धन गुरु रामदास जी के दर के उत्ते अज की डेट 3 to 4 hours मत्था टेकन लगते हैं तो असी इतों सारे अपना टाइम कट के जाते हैं तो धन धन गुरु रामदास जी तो इतने भी विराजमान ने पहला इतने का ही है कि मेरे जो भी मैं विचार सारे कि आप ऐसा उपराला करिए कि जिदे हफ्ते च एक दिन 2 to 4 days अपने कारोबार की सुविधा के मतलब सब संत पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सब संतान बहुत बहुत वधाई धन धन श्री गुरु रामदास जी के प्रकाश उत्सव की आप आई हाँ आप संगत ने माण वधाया बीबी भानी सेवा सोसायटी का बहुत बहुत धन्यवाद उस तो ज़्यादा धन्यवाद जिहड़ियां ऑनलाइन बीबियां सहज पाठ करदियां हन वह सब तो ज़्यादा धन हैं जो अपना वक्त का टाइम कढ़ के अपनी सेवा लैंदियां हन ये बच्चियां सारियां करोना टाइम तो चल रही हैं ये सहज पाठ ऑनलाइन चलते ही रहते हैं जो भी गुरपुरब आता है इस बार इन्होंने 6 sahaj paath किए और जो अं देखते हैं कि समाप्ति का वक्त घट है तो यह रात में भी रोल लगे हैं लास्ट टाइम असी एक अखंड पाठ साहब रात में भी लगा के सारे ने बच्चिया ने सेवा की वाहेगुरु सारे इन्होंने परिवार के धन धन गुरु रामदास जी महाराज आप मेरा बख्शन वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह अज दुआबा श्री गुरु सिंह सभा चौंक अड्डा शाहपुर विखे धन धन गुरु रामदास जी का गुरपुरब बड़ी श्रद्धा सत्कार नाल मनाया गया इस दे विच विशेष तौर पर योगदान बीबी भानी जी सेवा सोसायटी और प्रबंधक कमेटी वालों करवाया गया इस दे विच रागी ढाडी कीर्तनी जथे सब ने आनंदमय कीर्तन द्वारा संतान नूं निहाल किया अते गुरु के अटुट लंगर वरताए गए ये नाल ही असी हलचल वाले का भी धन्यवाद करते हाँ जोड़े ये सारे प्रोग्राम गुरुद्वारे के जिन्हें भी होंगे कवर करके ये दुनिया तक पहुँचाने हैं असी शीतल बौर जी का बहुत बहुत धन्यवाद वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह आरब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से चंडियाला गुरु में अज्ञात व्यक्तियों ने गोली मारकर पूर्व जयी और उसके साथी का किया कत्ल पारिवारिक सदस्यों ने जीटी रोड जाम कर लगाया धरना जालंधर के लांबड़ा में एक व्यक्ति को गोलियां मारने वाले 2 shooters सहित गिरोह के 3 लोगों को पुलिस ने किया काबू 3 pistols 6 rounds एक थार गाड़ी की बरामद जालंधर के अधीन आते ऋषि नगर में देर रात अज्ञात युवकों ने किया हमला बरसाई ईंट व पत्थर इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल